हेलो एवरीवन, इससे पहले मैंने बाउचर क्रिएशन बताया है, कैसे हम बाउचर क्रिएट करते हैं सबके लिए, यानी जितने भी जीएसटी के टैक्सेस वगैरह हैं सबके लिए हम बना लेते हैं एक बाउचर में, सब कर लेते हैं काम। बार बार हमें सीजीएसटी एसजीएसटी का लेज़र बनाना नहीं पड़ता है, ठीक है, चाहे टैक्स कोई भी आ जाए जीएसटी से रिलेटेड। तो हम अब हम क्या करने वाले हैं, उस पहले सेशन मैंने बनाया था, बताया था लोकल परचेज और लोकल सेल। अब हम बात करेंगे इंटरेस्टेड परचेज और इंटरेस्टेड सेल। इससे पहले मैंने क्या बनाया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा अकाउंट इन्फो में गया था और ब्राउज़र टाइप पर, यहाँ पर अल्टर पे मैं दिखाता हूँ आपको सप्लायर इनवाइस और परचेस इनवाइस के बारे में क्या होता है। तो मैंने बनाया था एक बाउचर परचेस इनवाइस, ये देखो ये परचेस इनवाइस था। इसके अंदर मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने डिटेल फीड कर दिया था, ठीक है। आपको फर्स्ट वाला वीडियो देख लोगे तो आपको ये पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा इसका लिंक, आप देख लेना ज़रूर। अब हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग बाउचर, जाएंगे एक सामान खरीदते हैं, यहाँ पे अकाउंटिंग बाउचर पे गए और प्रेस किया हमने F9। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे परचेस इनवॉइस और हम यूज़ करने वाले हैं इंटरेस्टेड परचेस, और हमने बिल नंबर दे दिया 125, ठीक है। और यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया अल्ट से सी प्रेस किया, मिस्टर रतन सनी क्रेडिटर, क्योंकि इनसे हम खरीदने वाले हैं। और इसके साथ ही ये किस जगह के हैं वो हम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है स्टेट वगैरह के लिए, तो आप स्टेट आप दे दो, हमने यूज़ कर लिया बिहार। पिन कोड वगैरह होगा तो वो डिटेल आप फीड कर लो, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर क्या होगा, डिटेल डालना, जीएसटी नंबर, देखो बिहार का कोड क्या होगा वो आपको पता होना, अगर आप गलत लिखोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको बता देगा। जैसे उत्तर प्रदेश का कोड है 09, अगर मैंने मान लो 10 दे दिया, ठीक है। और इसके साथ ही चार अल्फ़ाबेट होता है, पांच अल्फ़ाबेट और चार नंबर होता है, इसके बाद एक अल्फ़ाबेट और दो नंबर, इंटर करो। इसके बाद इसको भी यस करके इसमें अगर डिटेल देना चाहते हो तो आप जैसे अगर इसके टेरिटरी क्या होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ पे एक सामान बना हुआ दिख रहा था, HP वायरलेस कीबोर्ड। हम क्या करने वाले हैं, अल्ट सी प्रेस करेंगे, हम बना लेते हैं प्रो डॉट का एक माउस। इसको सेव किया, यहाँ पर हम इसको सेट करने वाले हैं एक्सेसरीज के अंतर्गत, इंटरफेस करेंगे हम एक्सेसरी रख लेंगे और PCS के यानी पीस के बाद हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने यस करना है, यस करने के बाद डिस्क्रिप्शन हम दे देंगे इसको, ठीक है, वायरलेस कीबोर्ड, सॉरी वायरलेस है। और हमने इसको नंबर वगैरह दे दिया, एजेसन नंबर, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टैक्सी बिल और 18% हमने टैक्स दे दिया। इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद इसको गुड्स में रखो और यहाँ पर आप परचेस कर रहे हो 10 पीस, आपने एक रेट लगा दिया कि इसका रेट है 450 रुपये, ठीक है, आपने 450 रुपये में ख़रीद लिया। अब देखो यहाँ ध्यान से 810 रुपये IGST लग गया। एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 10 पीस की जगह मैं 12 पीस करता हूँ, ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगा और 499 रख लूँ, सॉरी 499 रखूँ, एंटर किया, ठीक है, तो ये आपको ये दिख जाएगा कितना, 1078 रुपये। इसको सेव करो, यहाँ पे ये प्रेस करोगे, देखो ये क्या है, परचेस वाला है, तो परचेस में HSN वगैरह नहीं शो करता है, ये शो करता है सेल में, ठीक है। तो आपने परचेस कर लिया, क्योंकि आपको एंट्री मेंटेन करनी होगी, तो मेंटेन करने के लिए आपको ये तो एंट्री करनी पड़ेगी ना यहाँ पे। इसके साथ ही F8 प्रेस करो, यहाँ पे सप्लायर इनवाइस का इस्तेमाल करो, इंटर स्टेट सेल्स हम यूज़ करेंगे, पार्टी का नाम बनाएंगे, हमने बना लिया मिस्टर आशुतोष, एंटर किया, सॉरी ये बिल नंबर है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मिस्टर आशुतोष सन्ड्री डेप्टर होगा, क्योंकि हमको बेच रहे हैं माल। और ये कहाँ के, उत्तर प्रदेश, हमने एक दे दिया, एक सॉरी बिहार दिया था हमने, और ये बिहार में ही माल हम बेच भी रहे हैं, ठीक है, तो हमें यूज़ करना है बिहार, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे इसका हम डिटेल फिट कर देंगे 10 और अल्फ़ाबेट, ये आपके पास करेक्ट होना चाहिए, तब आप काम करो तो अच्छा है, ठीक है। सेव करो इसको,
सेव करने के बाद देखो ये इम्पोर्टेंट होता है, जब हम इसको इंटर करते हैं ना तो ये डिटेल इम्पोर्टेंट हो जाता है, डिलीवरी नोट, डिस्पैच नंबर, ये डेस्टिनेशन कहाँ जा रहा है, मोटरसाइकिल का नंबर, ठीक है, ऑर्डर नंबर, और ये सब चीज़ें मॉडर्निटी टर्म मतलब कि पूछ रहा है कि आप किस माध्यम से पेमेंट करोगे, ऑनलाइन ऑफलाइन वो चीज़ें, ठीक है, टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे होंगी, बिहार यहाँ पे सेलेक्ट है। इसके साथ ही हम यूज़ करेंगे ये प्रोडक्ट का माउस, 12 पीस हमने ख़रीदा था, हम 10 पीस बेच रहे हैं, एंटर किया हमने और हम रेट लगा देंगे। तो एक्चुअली एक होता है स्टैंडर्ड रेट लगाना, वो स्टैंडर्ड रेट में बता दूंगा कैसे लगता है, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ देखेंगे, 450 का हमने ख़रीदा था, ठीक है, ओके, हमें इसको 550 में बेचना है, सेव करेंगे, देखो 990 रुपये आ गया इसका अमाउंट, इसको सेव कर लो। इसको जैसे आप यस करोगे ना, आपको दिख जाएगा क्या इसका, अल्ट से जेड प्रेस करो, वाई प्रेस करके, आपको देखो यहाँ पर पूरा पूरा डिटेल दे रहा है ना ढंग से, ओके, ये बता रहा है कि 112 नंबर जो एच एस एन बैच नंबर था आइटम का, उसमें 18% टैक्स कट चुका है, ठीक है, और बिहार कोड क्या है, 10 है, समझ में आया, उत्तर प्रदेश का 9 है और बिहार का 10 कोड है, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड रेट कैसे लगाते हैं वो मैं बता देता हूँ, कोई आइटम में जाओ इन्वेंट्री इन्फो, जैसे आपने कोई सामान खरीद लिया है आपको केवल क्या करना है, मेंटेन करना है, बिल दे करके आपको यहाँ पे एंट्री मेंटेन करनी है, तो आप स्टॉक आइटम में जाओगे, क्रिएट करो, हमें एक सामान बना लेना है, जैसे हमने सामान बनाया पेन ड्राइव, ठीक है, और यहाँ पे प्रेस करो F12, सबसे नीचे होगा, नीचे से थर्ड नंबर देखना ध्यान से, सॉरी सेकेंड नंबर, यहाँ लिखा है इनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस करो। यहाँ पर हमने यूज़ किया एक्सेसरीज और इसको पीस में रखा, वाई प्रेस करेंगे, इंटर किया, ये पूछ रहा है क्या कि इसका खरीदा गया मूल्य, यानी लिखा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हमने ये लगा दिया इसको, पेन ड्राइव हमने खरीदा है 200, ठीक है, 200 खरीदा है और हमें इसको बेचना है 320 रुपये, ओके। एक चीज़ ख्याल रखो, यहाँ पर सेट कर दो पेन ड्राइव कौन सा आपके पास है, 32 GB है, ठीक है, देखिए 32 GB, सेव करो, समझ में आ रहा ना, 200 का हमने खरीदा माल, जिसे बिल देख करके आप एंट्री करना है आपको, क्योंकि देखो सामान क्या होता है कि खरीद के आ गया है और आप बिल रख आपके सामने है, उसको देख करके आपको मेंशन करनी है, ठीक है ना, तो आपने पूरा प्रॉफिट वगैरह रख करके आपने सेट कर लिया, 320 रुपये में उसको हमें बेचना है, सेल करना है, तो बिल पे भी यही आएगा, वाई प्रेस करो यहाँ पे, इसका डिटेल वगैरह आप सेट करना चाहते हो तो आप सेट कर दो, हमने लिखा तोशीबा कंपनी का बैच नंबर डाल दो अपना। इसके बाद यहाँ टैक्सीबल यूज़ करो, 18% टैक्स लगा दिया, सेव करो इसको, और यहाँ पर स्टॉक में आप देख सकते हो कि आपके पास जो बिल में कितना आया था, 100 पीस खरीद के आया, सेव करो। इसका बेनिफिट क्या होगा, डायरेक्टली क्योंकि हम सेटिंग करते हैं, अब हम जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, F8 प्रेस करेंगे, हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, लोकल सेलेक्ट कर लो चाहे इंटरस्टेट सेलेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोकल सेलेक्ट किए यहाँ पे, हमने बिल नंबर दे दिया, और हम यूज़ करने वाले हैं, एक नया पार्टी बना लेते हैं, अल्सासी प्रेस किया, मिस्टर कुणाल सनरी डेप्टर, क्योंकि इनको बेचने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या होगा, अगर हम लोकल रख रहे हैं तो लोकल के अकॉर्डिंग रखेंगे, और इंटरस्टेट रख रहे हैं तो इंटरस्टेट, उत्तर प्रदेश का कोड ये है, सेव किया हमने इसको। इसके साथ देखो जो हमने सामान रखा था ना 100 पीस, ठीक है, हम जैसे ही केवल क्वांटिटी देंगे अमाउंट ऑटोमेटिक ले लेगा, अगर बंदा एक पीस पूछ रहा है तो ऑटोमेटिक आ गया 320 रुपये, समझ में आया, अगर बंदा 10 पीस बेच रहा है तो इसका पीस जो आ जाएगा वो बता देगा, ठीक है, अगर 20 पीस बेच रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो भी आ जाएगा, समझ में आया, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, इसको सेव कर लो, वाई प्रेस किया, ठीक है। अभी तो आपको एक चीज़ मालूम चला है, अब मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको, मिस्टर कुणाल में हम जाते हैं, हमने 2 सामान बेचना था, ठीक है, तो हमने यूज़ कर लिया, एक पेन ड्राइव यूज़ कर लिया, इसके साथ ही एक और हम सामान यूज़ कर लेते हैं, हमने यूज़ किया प्रोडक्ट माउस, एक पीस बेच दिया, ठीक है, सेव कर लो, वाई प्रेस करो, अलग सा जेड करो, ये देखो पूरा पूरा डिटेल आ जाएगा सामान का, क्लियर, जो जो पर टैक्स होगा ना, अगर आपके पास 9% है, 12% टैक्स है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं जो 4 टाइप के टैक्स हैं, 5%, 12
18 और 28, तो वहाँ पर डिक्लेयर करके नीचे अमाउंट दे देगा। ठीक है, क्या आपको ये सेशन समझ में आया? अगर वीडियो को समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक लेकर के।